हाय मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ, एक नई रेमेडी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, चमकती नहीं है, धूप से आपकी स्किन जल गई है, टैन हो चुकी है, और गर्मियों में आपकी स्किन चिपचिप करती है, आपकी स्किन फ्रेश नहीं रहती है, और गर्मियों में आपकी स्किन धूप से मुरझा गई है, तो दोस्तों टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। आपकी दीदी आप सभी के लिए एक मैजिक रेमेडी लाई है जो आपकी स्किन पे मैजिक करेगी, गर्मियों में आपकी स्किन का केयर करेगी और दोस्तों आपकी स्किन पे फिर से वही चमक लाएगी। ठीक है, तो आज की रेमेडी अपनी स्किन पे लगाने के पहले एक टेस्ट शुरू करेंगे कि आपकी स्किन को ये रेमेडी सूट कर रही है या नहीं, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, सबको हर चीज सूट नहीं करता है। तो आज की रेमेडी टीनेजर में तो भी लगा सकते हैं, आप शादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मेकअप करने के पहले आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की जो रेमेडी ना समर स्पेशल रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी मैंने पहले से ही बना के रख लिया है, तो आप वीडियो देख लीजिए कि इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से, और आप सभी ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जानकारी मिल ही गई होगी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं फिर से कोई नया वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे और यूं ही प्यार से आप मेरे वीडियो देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी आपको मेरे से लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी बबीता राज के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों आज की रेमेडी मैजिक होने वाली है और आपकी स्किन पे भी मैजिक करने वाली है। तो जो रेमेडी हम बनाएंगे, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिया है ये है आइस रोलर, और इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, यूट्यूब पे भी आपने इसका रिव्यू देखा होगा, और ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कहीं भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको मेरी जैसी रेमेडी बनानी है। तो दोस्तों आपने अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि चेहरे पर चमक लानी है तो बर्फ़ लगाओ, हो सकता है आपने कुछ लोग को ऐसा करते देखा भी होगा। तो चलिए आज हम लोग भी अपने चेहरे को शीशे जैसे चमकाते हैं, तो इसके लिए आप ये आइस रोलर भी ले सकते हैं, बट आपके पास नहीं है तो आप आइस क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे शीशे जैसी चमक भी लाएगा, साथ ही आपकी स्किन पे ना जो ओपन स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, गर्मियों में आपकी स्किन पे मुहासे पिंपल्स हो रहे हैं तो उसे भी दूर करेगा। तो फटाफट हम रेमेडी अब बना लेते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है। जी हाँ, आपको एक टमाटर लेना है, उसे कट कर लेना है, धुल के साफ कर लेना है, छोटे छोटे पीस को कट कर लेना है। आप सभी जानते हैं टमाटर हमारे ओपन स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही टमाटर हमारी रंगत को फेयर करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को कट कर लिया। टमाटर एक तरह से ब्लीचिंग एजेंटा भी है और टमाटर में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो लेंगे हम पुदीना। जी हाँ, पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ हमें लेनी है, क्योंकि आपके चेहरे पर एक्ने की प्रॉब्लम है, मुहासे हैं, पानी वाले हैं, ब्लड वाले हैं, आपके चेहरे पे दाग धब्बे भी हैं, धूप से आपकी स्किन पे रसेस भी हो चुके हैं, तो आपको फ्रेश पुदीने की पत्ती लेनी ही लेनी है। ये आपके पिगमेंटेशन को, छाइयों को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप यहाँ पे तुलसी पत्तियाँ भी ले सकते हैं। ये आपको 15 से 20 पत्तियाँ फ्रेश लेनी है, धुल के साफ कर लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो ऐड करने जा रही हूँ वो ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। जी हाँ, तो दोस्तों आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है, आपको मार्केट वाला नहीं लेना है, बट आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने किचन गार्डन से मैंने फ्रेश एलोवेरा प्लांट लिया, उसे धुला साफ किया और इस तरीके से मैं इसे कट करके इसमें जो जेल है मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप जिस तरीके से निकालते हो, आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से ये जेल निकाल लीजिएगा। और ये जो फ्रेश जेल है ना, आपकी स्किन पर जो छाइयाँ हैं, झुरियाँ, उसे भी दूर करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और दोस्तों सबसे अच्छी खूबी तो ये है कि ये जो जेल है ना एलोवेरा जेल, वो हर टाइप के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, हर टाइप की स्किन के लिए वरदान एक तरह से, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी। तो इस तरीके से मैंने सारा ये एलोवेरा प्लांट से जेल निकाल लिया है। तो दोस्तों आज की रेमेडी आपको हफ्ते में नहीं लगानी है, रोजाना लगानी है और आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी ना कि मानो आपकी स्किन शीशे जैसी चमक गई है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों अब क्या करना है। आपको एक मिक्सर जार लेना है, सारी चीज़ें इसमें आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपने डाल दी, अब इसमें कुछ चीज़ें और भी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल। जी हाँ, आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपको लेना है,
और दोस्तों आपकी स्किन मेरी तरीके से ऑयली है तो भी आपको ये कोकोनट ऑयल कुछ ड्राप लेने हैं और इसे डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी रोज वाटर। जी हाँ, गुलाब जल आपको डालना है 4 से 5 बड़े चम्मच, क्योंकि जब तक आप गुलाब जल डालोगे नहीं तो ये रेमेडी अच्छे से पिसेगी नहीं, बहुत थिक हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा थिक भी हमें नहीं बनाना है और इतना बनाना है कि अच्छे से ये पिस जाए। तो चलिए मैं पीस के लाती हूँ और दिखाती हूँ ये पेस्ट कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से मुझे चाहिए उस तरीके से ये पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको ये रेमेडी बनाने किस तरीके से है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें ये इस आइस क्यूब रोल में किस तरीके से डालना है, ऐड करना है। तो आप उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नीचे वाले हिस्से में आप ये सारी रेमेडी को डाल देंगे। तो दोस्तों, जिनके पास ये आइस क्यूब रोलर नहीं है तो वो इस रेमेडी का बेनिफिट किस तरीके से पाएंगे, तो सोचने की बात नहीं है, लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास आइस क्यूब ट्रे है ना, उस ट्रे में ही आपको इस रेमेडी को डाल देना है। जी हाँ, जैसे पहले से हम लोग डालते चले आए हैं। तो चलिए, मैंने इसमें निचले हिस्से में सारी रेमेडी डाल दी है, इसे लॉक कर दिया है। ऊपर से मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसे ओपन कर देती हूँ, और यहाँ से ओपन करने के बाद जो थोड़ी सी रेमेडी बची है उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। सारी रेमेडी डालने के बाद इसे ऊपर से मैं लॉक कर दूँगी, और लॉक करने के बाद इसे मैं फ्रीजर में रखूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे, ठीक है। तो दोस्तों, ये लीजिए हमारी जो रेमेडी है बनके रेडी हो चुकी है, जो हमारी चेहरे को शीशे जैसी चमकाएगी और हमारे स्किन पे एक्ने, मुहासे, कैसी भी स्किन प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम को दूर करेगी। तो इसे लगाने का क्या तरीका होगा, इसे आप रात में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जी हाँ, रात में सोने के पहले आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद रोज वाटर से अपने फेस को क्लीन करना, उसके बाद इसे लेकर के आपको अपने फेस पे सर्कुलेशन मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सिर्फ आइस क्यूब भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी रेमेडी बना के लगा सकते हैं, आप मिल्क हनी डाल के अपने फेस पे लगा सकते हैं। और इसके फ़ायदे ये होंगे ना, अगर आप इस तरीके से अपने फेस पे मसाज करेंगे तो आपके हाथ भी ठंडे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मैं तो करके देख ही रही हूँ ना, आपके हाथ ठंडे नहीं होते हैं। और जब हमारे हाथ ठंडे होते हैं बर्फ़ को हाथ में लेने से ना, तो हमारे हाथों से वो बर्फ़ नीचे गिर जाता है, या तो हम खुद ही रख देते हैं, थोड़ी देर बाद हम कहते हैं यार अब नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा सुन हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। बट ये सारी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। और साथ ही अगर आपके फेस पे एक्ने, मुहासे हैं, तो आप उस एरिया पे थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा, मतलब 20 सेकेंड, तो आपके जो मुहासे बड़े होने वाले हैं वो धीरे धीरे करके दब जाएंगे। और साथ ही धूप से आपकी स्किन झुलस गई है, तो गर्मियों में अगर आप इस रेमेडी को डेली लगाते हैं तो आपकी स्किन गर्मियों में भी शीशे की तरह चमकती रहेगी, आपकी स्किन टाइट रहेगी। बर्फ़ लगाने से हमारी स्किन टाइट भी होती है। अगर आपका फेस सूजा रहता है, आंखों के नीचे सूजन रहती है, तो ये आपके फेस की सूजन को भी कम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इतना ज़्यादा अच्छा कर देता है कि आपकी स्किन पर एक अलग सा ही चमक आता है। तो ये आपको कब तक करना है, जब तक ये रेमेडी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, या आपकी रेमेडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप सिर्फ 5 मिनट कीजिए, 6 मिनट कीजिए। 6-7 मिनट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए फेस पे से लगा के छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट के बाद। 5-10 मिनट के बाद आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी लेना है, उसमें एक टॉल को डिप करना है, डिप करने के बाद इस तरीके से पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। जी हाँ, फिर अपने स्किन को आप टच करोगे ना, यार क्या चमक गई है मेरी स्किन। उसके बाद आपको एक एलोवेरा जेल लेना, फेस पे लगा लेना है, या आप जो नाइट क्रीम लगाते हो आप वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाया है, और रोजाना कीजिएगा, आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम दूर होगी मेरी।